I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Assalamu alaikum friends, my name is Azhar, aap dekh rahe hain C-Tech friends. Is waqt main Al-Fatah Gujranwala jo Prisma Mall hai wahan pe maujood hu. और आज आपके लिए एक और पोर्टेबल एसी की वीडियो लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये टेक्नो कंपनी की तरफ से आता है. अब आई डोंट नो ये मोबाइल वाली टेक्नो कंपनी है या फिर ये सेपरेट एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है टेक्नो का. तो ये आपके सामने मौजूद है जो कि काफ़ी एक अच्छी एलियन टाइप की लुक दे रहा है. तो आज की वीडियो आपको ये जो एसी है इसकी कंप्लीट जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह बताऊंगा, इसकी प्राइसिंग के बारे में और इसके अलावा इसको मैं चला के दिखाऊंगा, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगा. इसके अंदर हीट और कूल दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में टेस्ट कराऊंगा. तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है ये टेक्नो का मिनी पोर्टेबल एयर कंडीशनर. और आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी छोटा है. तो क्योंकि पोर्टेबल है तो पोर्टेबल एसी मोस्टली स्मॉल आते हैं. तो आप देख सकते हैं ये है इसका मेन एक होल, यहाँ से इसकी जो थ्रो है वो आएगी. और इसके अंदर आप देख सकते हैं हमें ब्लोअर नज़र आ रही है, ब्लोअर आप देख सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे एक ग्रिल टाइप लगाई गई है और ये है इसकी एडजस्टेबल ग्रिल. और आप देख सकते हैं जस्ट इसके अंदर हमें चार जो ग्रिल्स हैं वो मिलती हैं, ठीक है. तो इसके थ्रू ही हम इसको मैनुअली ही एडजस्ट कर सकते हैं. इसके अंदर हॉरिजॉन्टल जस्ट ग्रिल हमें मिलती है, वर्टिकल इसमें नहीं है. इट्स मीन के जस्ट डायरेक्ट थ्रो देगा और हम ऑन करके देखेंगे इसकी थ्रो कैसी है. तो नीचे वाली तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे है टेक्नो की ब्रांडिंग डिज़ाइन फॉर लाइफ. और प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे अल-फ़तह पे इसकी जो प्राइस 89,900 रुपीज़ है स्टील. आगे से अब मैं आपको कुछ कह नहीं सकता इसकी प्राइस ज़्यादा ना हो जाए. तो आप देख सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी लुक इस तरह की है कि इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनता है कि नीचे वाली तरफ से इसकी जो जो विड्थ है वो नीचे कम है, ऊपर जाके ज़्यादा हो जाती है. प्राइसिंग के बारे में बता दूँ, इसकी कॉपीज़ वगैरह भी कुछ आती हैं और भी ब्रांड्स में इस किस्म की शेप आती है या फिर यूज रिफर्बिश्ड भी आती हैं, उनकी प्राइस डिफरेंट हो सकती हैं. बट ये वाला जो है ना जो अल-फ़तह पे आपको मिलेगा ये 100% ओरिजिनल और इम्पोर्टेड है, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट है ये वाली. तो अब साइड पर करते हैं इसको, साइड प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ. तो साइड आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब प्लेन है तो काफ़ी अच्छा लगता है छोटा सा. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ड्रेनेज पाइप है वो लगेगा, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कुछ है. तो ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन फॉर लाइफ टेक्नो ब्रांडिंग है मतलब इनकी. और इसका जो मॉडल है ना TEC7676 और पावर सोर्स आप देख सकते हैं. और कूलिंग के वक्त ये 1480 वाट और हीटिंग के वक्त 1300 वाट लेगा. कूलिंग कैपेसिटी 3500 वाट और हीटिंग कैपेसिटी भी 3500 वाट. मॉइस्चर रिमूवर आप देख सकते हैं, मॉइस्चर रिमूवल 30 डिग्री और इसके अलावा 60 लीटर्स पर डे. रेफ्रिजरेंट आप इसमें देख सकते हैं R410A और 0.423 kg इसके अंदर गैस है. और ये वही है जो कि आपको दूसरे एसी वगैरह में मिलती है R410A. मैक्सिमम ऑपरेशन प्रेशर आप देख सकते हैं, डायमेंशन आप इसका देख सकते हैं, इसकी विड्थ लेंथ और डेप्थ इसकी और हाइट वगैरह. कंटेंस फ्लोरिनेटेड ग्रीन हाउस गैसेस कवर्ड बाय द क्योटो प्रोटोकॉल और कुछ इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंशन है यहाँ पर. सीरियल नंबर इसका मेड इन PRC आप देख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर इसकी जो डायाग्राम है वो बनाई गई है, वायरिंग डायाग्राम. तो इसके बाद यही कुछ है. इसके अलावा इसकी बॉडी के बारे में बात करूँ तो इसकी काफ़ी सॉलिड बॉडी है और ये मैट में आती है, मैट वाइट कलर है. आपको आई थिंक इससे आइडिया हो रहा होगा. तो काफ़ी अच्छी मुझे इसकी लगी जो बिल्ड क्वालिटी है. तो अब बात कर लेते हैं इसकी बैक साइड की. तो बैक साइड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसका हमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा एक होल मिलता है. एक्चुअली यहाँ पर इसका पाइप लगेगा जो कि इसकी जो गर्म हवा है वो बाहर निकालेगा, मतलब ये है इसका मेन जो आउटलेट है, एयर आउटलेट, ठीक है. तो ये है इसके साथ वायर, ये आप देख सकते हैं. तो फ्यूज्ड इसका जो प्लग है वो दिया गया है, 3-pin स्क्वायर कट प्लग है इसका. और जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है. तो आई विल रिकमेंड कि आप जो जिधर आपकी अच्छी वायरिंग हुई हुई है वहाँ पे इसको लगाएं. आप टेक्नो यहाँ पे टेक्नो की फिर ब्रांडिंग आ जाती है और नीचे से इसकी वैसे ही शेप है. अच्छा, एक सबसे आपको मैं इसकी ख़ास बात बताऊँ, इसके जो टायर्स हैं ना उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे.
तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी इजीली, इसका वजन भी काफ़ी है तो काफ़ी इजीली मूव करता है ये एयर कंडीशनर। इसका काफ़ी वेट है, तभी इसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्मूथ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है इसकी ग्रिल, और इसके अंदर यहाँ पे हमें मिलते हैं इसके एयर फिल्टर्स। अब जो फ़िल्टर्स हैं इसको आपने लाजमी क्लीन करना है, ठीक है। तो नीचे वाली तरफ भी हमें यहाँ पे इसके जो फ़िल्टर्स हैं, एक फ़िल्टर मिलता है, और इसके अंदर भी हमें, मतलब हमें इसकी भी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ हो गया इसकी साइड्स पे। अब ऊपर वाली तरफ अगर बात करें तो ऊपर वाली साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ से एडजस्ट होगी इसकी हीट एंड कूल, ठीक है। और यहाँ पे है पावर, और ये फंक्शन, टाइमर, स्लीप, और ये है इसका डिस्प्ले, और यहाँ से इसकी फ़ैन की जो स्पीड है वो एडजस्ट होगी। अभी जो एयर कंडीशनर है टेक्नो का, इसको मैं टर्न ऑन करके आपको दिखाता हूँ इसकी परफॉर्मेंस, और इसकी जो हीटिंग कूलिंग दोनों जो फीचर्स हैं वो चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, महीन भाई ये जो एयर कंडीशनर है इसको ऑन करके आप दिखाएंगे और फिर हम चेक करेंगे इसकी परफॉर्मेंस। तो जैसे ही हमने इसको प्लग इन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले आ चुका है। तो बताइएगा महीन भाई इसके बारे में। ये इसकी फ़ैन स्पीड है सर, ठीक है, और ये 2 से 3 मिनट में जो कंप्रेसर है ना वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम जो है आप इसे 17 पे चला सकते हैं। 17 मिनिमम है इसका, ठीक है। अभी इसमें कूल मोड में मैक्सिमम जो है आप इसे 30 पे चला सकते हैं। 30 पे, ठीक है। तो इसके ये टच बटन है इसके, ये टच वाले, ठीक है। तो ये कूल हीट मोड पे भी जाता है जी, हीट मोड पे। वो कैसे हीट मोड इसके फंक्शंस में है इसके, वो ठीक है। वो आप ये फंक्शंस हैं ये सारे इसके, इस वक्त आई थिंक हीट मोड में ही है। देखना इसका कंप्रेसर जो बंद, ठीक है, कंप्रेसर बंद हो गया था। अभी दोबारा कूल मोड में, ठीक है। अभी हीट की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले ही बहुत हीट है। तो कूल मोड में दिखा देता हूँ फ्रेंड्स को। इस वक्त आप फैन स्पीड, फैन स्पीड 1 पे है, तो मैक्सिमम ये 3 है इसकी, 3 है, ऑटो है, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम जो इसकी जो एथ है वो 15 फीट तक जाती है, 15 फीट तक जाती है, ठीक है। अब आई थिंक इसका कंप्रेसर ऑन हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मैं पहले दिखाता हूँ 1 फैन स्पीड पे। तो अभी इसके जस्ट जो सिंपल, मतलब जो नॉर्मल एयर है ना वो आ रही है, तो कोल्ड एयर नहीं आ रही इसकी। तो अभी भाई बता रहे थे 2 से 3 मिनट बाद इसका कंप्रेसर ऑन होगा, तो फिर उसके बाद जैसे ही कंप्रेसर ऑन होता है इसकी कूलिंग स्टार्ट होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस अच्छा इसकी ग्रिल्स बस यही है ना, ग्रिल यही है फ्रेंड्स, यहाँ से एडजस्ट करनी है। तो अगर थ्रो की बात करें ना, इस वक्त 1 पे है फैन स्पीड, तो इसकी जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ तक इसकी जो हवा है वो आ रही है, और अभी मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ इसे, ऑलमोस्ट मेरा है लगभग 5 फुट का या शायद इससे भी ज़्यादा का फासला होगा। और यहाँ तक इसकी जो फ़ैन स्पीड है ना, मतलब जो इसकी थ्रो है वो फील हो रही है। इसकी फुल कीजिएगा भाई फ़ैन स्पीड, ठीक है इस वक्त, ठीक है, काफ़ी अच्छी थ्रो है इसकी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है, ये न्यू अराइवल आप देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी इसको मतलब फील हो रही है थ्रो। तो इस वक्त इसका जो कंप्रेसर है वो भी ऑन हो चुका है, और इस वक्त काफ़ी अच्छी इसकी जो कूलिंग है वो आ रही है, बाकायदा अच्छे वाली कूलिंग है इसकी। तो इसके आगे करीब रहेंगे तो आपको थोड़ी ही देर में सर्दी लगने लग जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर रहेंगे इससे तो तब आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग आएगी। तो इसकी जो फैन स्पीड है उसको एडजस्ट करके देखते हैं। अभी मैंने 1 पे की है फ़ैन स्पीड, ये इस वक्त इसकी फ़ैन स्पीड 1 पे हो गई है, तो इसकी जो थ्रो है वो थोड़ी सी कम हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्लीप मोड, तो स्लीप पे करता हूँ तो देखते हैं इसकी नॉइज़ कम होती है क्या। अभी तक इसकी नॉइज़ कम नहीं हुई, आई थिंक इसकी जो फ़ैन स्पीड है ना वो ऑटोमेटिकली 1 पे हो जाती है, तो हमने ऑलरेडी 1 पे रखी हुई थी, तो इस वजह से ना इस वक्त 3 पे है इसकी फ़ैन स्पीड। तो इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन उतनी ही है, अब इस वक्त इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो काफ़ी इस वक्त मज़ेदार किस्म की स्लो दे रही है। और अब मैं इसकी जो फ़ैन स्पीड है ना, मतलब फ़ैन स्पीड नहीं सॉरी, अब मैं इसका जो स्लीप मोड है ना वो ऑन करता हूँ। ये अब आप फील करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त इसकी जो स्पीड है ना वो 1 हो गया, इट्स मीन के इसकी जो थ्रो है ना वो भी कम हो चुकी है, और जो इसका स्लीप मोड है वो ऑन हो चुका है, इट्स मीन की जो फ़ैन है इस वक्त 1 पे आ गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप इसका जो टाइमर है वो लगा सकते हैं, और जैसे ही आप स्लीप मोड इसको ऑफ़ करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर इसकी जो फ़ैन स्पीड है 1 पे आ जाएगी, और देन अगेन आप इसको 3 पे,
या फिर इसको ऑटो मोड पे कर सकते हैं। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, इसकी बैक साइड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इसकी हॉट एयर निकलेगी और आई थिंक आपको इसकी साउंड से आइडिया हो रहा होगा हॉट एयर का। तो यहाँ पे इसका जो पाइप है वो लग के तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।